हिरोडी क्षेत्र के धुरैता मोड़ स्थित धान के गोदाम से 2,73,000 रुपए की लूट के मामले का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उद्भेदन कर लिया है। वहीं इस मामले में मास्टरमाइंड समेत एक अन्य को पुलिस ने दबोच लिया है। मंगलवार को एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोमवार की शाम करीब 4 बजे हिरोडी थाना क्षेत्र के कारोडीह निवासी मुमताज अंसारी के द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि जमुआ स्थित SBI शाखा से वे 2,73,000 रुपए की निकासी कर धुड़ैता मोड़ स्थित अपने धान के गोदाम पहुंचे और यहां थैले में पैसा लटका कर रख दिया। इसके बाद दोपहर 3 बजे एक लड़का वहां आया और उनसे बातचीत करने लगा। इसी बीच दो और लड़के पीछे की ओर से दुकान में आए और रुपया भरा थैला लेकर भाग गए। सूचना मिलते ही हिरोडी थाना में कांड संख्या 133/220 दर्ज किया गया और अविलंब जमुआ अंचल पुलिस निरीक्षक विनय कुमार राम के नेतृत्व में हिरोडी थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारी व बल के साथ छापेमारी टीम का गठन किया गया। बताया गया कि टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए धनवार देवरी जमुआ नगर थाना पचम्बा थाना क्षेत्र में मानवीय एवं तकनीकी इनपुट के आधार पर लगातार छापेमारी की गई। इसी दौरान हिरोडी थाना क्षेत्र के रेम्बा इलाके से राजा अंसारी को पकड़ा गया। इसके बाद उसके द्वारा दी गई जानकारी के बाद पचम्बा थाना क्षेत्र के पहाड़ साइड स्थित धान के साइट से कांड का मास्टरमाइंड महफूज अंसारी को पकड़ लिया गया। दोनों आरोपी पचम्बा थाना क्षेत्र के बिसुनपुर के रहने वाले हैं। वहीं एक अन्य के गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी की जा रही है। 2020 को करीबन शाम के 4 बजे मुमताज अंसारी उम्र करीब 22 वर्ष पिता सकूर मियाँ जो कारोडी थाना हिरोडी के रहने वाले हैं इनके द्वारा एक घटना रिपोर्ट किया गया था जिसके अंतर्गत कांड संख्या 133/20/2011/2020 दर्ज किया गया है हिरोडी थाना अंतर्गत। इनके द्वारा बताया गया कि कुछ व्यक्ति इनसे 2,33,000 रुपये की इनसे ले करके भाग गए हैं। घटना के बारे में इनके द्वारा बताया गया कि SBI से ये कुछ पैसे की निकासी कर अपने गोदाम में ले आ करके रखे थे, जिस क्रम में इनसे एक व्यक्ति आ करके बातचीत करने लगा और पीछे से कुछ व्यक्तियों के द्वारा इनका पैसा लेके भाग जाया गया। कांड को देखते हुए इसमें एक टीम की गठन की गई ताकि जो अपराधी हैं उनको चिन्हित कर पकड़ा जा सके और अग्रतर कार्रवाई की जा सके। इस संदर्भ में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। पहला व्यक्ति जो है वो अभियुक्त रजा अंसारी हैं जिन्हें रेम्बा इलाके से पकड़ा गया है। इनके बताए अनुसार एवं अन्य तकनीकी एवं ह्यूमन इनपुट्स के मदद से इनके दूसरे साथी को पचम्बा थाना क्षेत्र पहाड़ साइन धान के खेत के पास से गिरफ्तारी रात में की गई है करीब 3/11/2020 को। दोनों अपराधियों को पूछताछ किया गया है जिनमें इन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस घटना में कुल 10,500 रुपये इनके पास से बरामद हुए हैं। अब तक घटना के समय में इनके द्वारा प्रयुक्त किया गया मोबाइल भी बरामद हुआ है और तीसरे अपराधकर्मी के ऊपर छापामारी जारी है, जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। दोनों के ऊपर अब तक जो बातें निकल के आई हैं उसमें पूर्व में भी इनकी संलिप्तता लूट एवं छिनतई के जैसे कांड में रही है। इनके गिरफ्तारी उपरांत इनको न्यायिक हिरासत में अभी भेजा जा रहा है। घटना का उद्भेदन वहाँ के टीम के द्वारा अच्छा काम करते हुए जो श्री विनय कुमार राम पुलिस निरीक्षक जम्वांचल के नेतृत्व में जिन्होंने छापेमारी करी है उनके द्वारा 24 घंटे के अंदर इसका उद्भेदन किया गया है और सराहनीय काम किया गया है।